सद एहतराम सादात रिजाम उलमाए इस्लाम उलमाए अहले सुन्नत और बिलखसूस हमारी इस महफिल में बेपनाह मसरूफियात के बावजूद तशरीफ लाने वाली शख्सियत जिससे मेरी मुराद हमदर्द कौम मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत आली जनाब अलहाज मोहम्मद इब्राहिम शेख साहब अलमारूफ भाई जान, यकीनन नाम बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन भाई जान तो सबकी जबानों पर जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको दीन और दुनिया की दौलतों से नवाजा है। ये साहेब सरवत भी हैं और साहेब दिल भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मरकज आप देख रहे हैं मरकज अहले सुन्नत वादी रजा, इस सिलसिले में सबसे पहली मदद और सबसे पहला तआवुन हजरत जनाब इब्राहिम शेख साहब का, उन्हीं के ऐलान पर ये फकीर अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा करके और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की रहमत बेकरां के सहारे और सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के फैजान की बरकतों से और मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर सैयदी मौलाई मजहर गौसे आजम हम शबीह गौसे आजम अश्शाह मुस्तफा रजा खान रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फैजान से अल्हम्दुलिल्लाह ये आज अजीम उशान मस्जिद रजा जामे मस्जिद के नाम से आप देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि इसी हफ्ते में अलहाज इब्राहिम शेख साहब को हुकूमत ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने आपको महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया है। मैंने खास तौर से ये देखा कि हाजी साहब यकीनन बरसों से हुज्जाज किराम की खिदमत करते आ रहे हैं और यकीनन ये उनकी खिदमाती का सिला है जो हुकूमत भी एतराफ करने पर मजबूर हो गई। मैं उनकी खिदमत में हदिया तहनीयत पेश करने के लिए हाजिर हुआ। मैं चाहता हूं कि अपने हाथों से गुलपोशी और शालपोशी पेश करूं और मेरे बाद मौलाना मोहम्मद उवैस रजवी सल्लमहू ये भी हाजी साहब की गुलपोशी और शालपोशी करेंगे। हमारे सरपरस्त आला जो इस जलसे में तशरीफ लाने वाले थे यानी मेरी मुराद हजरत शहजादे गौसे आजम हजरत पीर बगदादी साहब क़िबला, उनके पाँव में कुछ जख्म हो गया है जिसकी वजह से वो ना आ सके, दुआ से नवाजा है। इंशाअल्लाह उनकी दुआएं हमारे साथ हैं और रहेंगी इंशाअल्लाह। तो मैं हाजी साहब की खिदमत में अपने हाथों से गुलपोशी पेश करूं। नारायण तकबीर, नारायण रिसाला, जनाब इब्राहिम शेख मारियान साहब, नारायण तकबीर, नारायण रिसाला। मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है और अभी हमारे मुअज्जज उलमाए किराम जिनमें हजरत मौलाना सुहैल रजा खान कादरी जो पूना से शुरू से तशरीफ लाए हैं वो भी इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे और विजयवाड़ा की सरजमीन से मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब तशरीफ लाए वो भी खिताब फरमाएंगे और हमारे मेहमान खसूसी आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद अहमद रजा साहब शाफई ये काबतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज अदा करने का शर्फ इनको हासिल हुआ है और माशाल्लाह
ہیں تو دیکھنے میں بہت کم عمر نظر آتے ہیں، لیکن علم و قابلیت کے لحاظ سے بڑے معتبر اور مستند ہیں. یہ دونوں حضرات سید صاحب قبلہ ہمارے ابھی جو تقریر فرما رہے تھے، اور یہ مفتی مولانا احمد رضا صاحب، دونوں ایک ہی جامعہ سے فارغ ہیں، اسلامیہ یونیورسٹی یمن سے. الحمدللہ یہ آج ہمارے اہل سنت و جماعت کے اس مبارک اجتماع میں دونوں حضرات جلوہ فرما ہیں. اور میں اب یہ ہمارے علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو نماز ظہر کو 15 منٹ تھوڑا اور آگے بڑھا دیں، کیونکہ 2:35 ہو رہے ہیں گھڑی میں، اور علماء تقریباً 3 باقی ہیں. میں تو خیر تقریر نہیں کروں گا، بس کچھ تجویز پیش کروں گا انشاءاللہ سب سے آخر میں.